जहां जॉन इब्राहिम की आंखों में आई एम सीरियस वाला स्टिकर लगा होता है। और इनकी एक्टिंग, लगता है कि एक्टिंग का लेसन इन्होंने अपने स्कूल से लिया था। टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम ही मेरा जूता है जापानी वाला रिमिक्स लग रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो अभी अभी रिलीज हुई है, जॉन इब्राहिम की मूवी विदा। तो चलिए इस मूवी के टीजर को एक नज़र में रिव्यू करते हैं और हाँ, थोड़ी सी हंसी मजाक भी करते हैं। इस मूवी का टीजर शुरू होता है एक इंटेंस सीन से, जहाँ जॉन इब्राहिम की आंखों में आई एम सीरियस वाला स्टिकर लगा होता है। और इस पूरी फिल्म में मुझे ये पता नहीं चला कि इनकी आंखें किसी हीरो की आंखें हैं या किसी विलन की। और हाँ, कभी कभी तो ये भी लगता है कि जैसे कैमरा भी इनकी आंखों में ही देख रहा हो। अब बात करते हैं टीजर के डायलॉग्स की। जॉन इब्राहिम को एक आदमी बोलता है कौन, तो जॉन इब्राहिम से बोलते हैं पाप। अरे भाई, ये तो सबसे ज्यादा कॉमन डायलॉग है। लगता है कि इन्होंने ये डायलॉग खुद नहीं कहा बल्कि किसी का चुराया है। और इनकी एक्टिंग, लगता है कि एक्टिंग का लेसन इन्होंने अपने स्कूल से लिया था। एक्शन सीक्वेंस को देखकर लगता है कि जॉन इब्राहिम ने जिम जाने के बजाय फाइट सीन्स को अपने घर के पड़ोसी से सीख लिया। हर पंच के बाद लगता है कि वो 20th सेंचुरी के एक्शन हीरो बनने का प्रूफ दे रहे हैं। टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम ही मेरा जूता है जापानी वाला रिमिक्स लग रहा है। बहुत ही ड्रामेटिक और ओवर द टॉप, जैसे कि किसी सीरियल किलर के वीडियो गेम का साउंड ट्रैक हो। लगता है कि म्यूजिक डायरेक्टर ने एक्शन से ज्यादा एक्साइटमेंट टीजर के बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढने की कोशिश की हो। तो दोस्तों, इस मूवी के टीजर को देखकर एक बात कह सकते हैं कि जॉन इब्राहिम एक बार फिर अपनी यूजुअल इंटेंसिटी के साथ वापस आए हैं, लेकिन इस बार इस मूवी में थोड़ा ज्यादा ड्रामा और स्टाइल शामिल है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी फिल्म में यही ड्रामा और स्टाइल बना रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस टीजर के बारे में क्या ओपिनियन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।